नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम अपनी विशेष श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके तहत चर्चा करेंगे रीति इतर काव्य पर। और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और सीसी के लाइव व्याख्यानों के माध्यम से आप सभी को लाभान्वित करते हैं। तो मित्रों, आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का। उनके माध्यम से आज हम रीति इतर काव्य पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चार मुख्य कालखंड उल्लेख किए जाते हैं, उनमें सबसे पहला आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। तो रीतिकाल जो तीसरा कालखंड है और उसे मध्यकाल का उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। मध्यकाल में हमने विभाजन करते हुए यह चर्चा की कि उसको चार मुख्य वर्गों में बांटा गया। जो रीतिकालीन साहित्य है उसे चार वर्गों में बांटा गया। पहला, जिसे हमने रीति काव्य कहा, जिसे कुछ विद्वानों ने रीतिबद्ध काव्य भी कहा है। दूसरा, रीति सिद्ध काव्य है। तीसरा, रीति मुक्त काव्य है, जिसे रीति इतर काव्य भी कहा गया, जिसे रीति स्वच्छंद काव्य भी कहा गया। और चौथा और अंतिम वर्ग है जिसे हम रीति इतर काव्य कहते हैं। इतर का अर्थ रीति से नितांत अलग या परे है, दूर है। तो रीति इतर के अंतर्गत वो प्रवृत्तियां रीतिकाल की समाहित हो जाती हैं जो गौण रूप से ही सही लेकिन सतत सृजन से जुड़ी रहीं। यानी इन प्रवृत्तियों के काव्य सृजन में बड़े बड़े कवि रचनाकार शामिल हैं और उनकी कविताओं से इस प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रखकर सृजन हुआ है। जिसमें जैसे हम जब रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति की बात करें तो हम कहते हैं उसमें श्रृंगार भी है, उसमें रीति निरूपण भी है, उसमें राज प्रशस्ति भी है। तो इसके अतिरिक्त जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे नीति एक प्रवृत्ति है, नीति काव्य सृजन प्रचुर मात्रा में हुआ और वह रीति तत्व के मापदंड या मानदंडों के अनुकूल नहीं, उनसे परे रहकर हुआ। भले ही रीति कवियों ने नीति काव्य भी लिखा है, लेकिन जो विशुद्ध नीति कवि हैं उनकी कविता में रीति काल के प्रभाव स्वरूप रीति तत्व आ गया हो तो बात अलग है। किंतु वो रीति निरूपण या रीति तत्व परक काव्य सृजन करने में निमग्न नहीं रहे या उसको समर्पित नहीं हुए। तो ऐसे नीति काव्य, भक्ति काव्य, इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रेम की कविता, वो भगवत भक्ति की बात हो, भगवत प्रेम की बात हो, प्रकृति प्रेम की बात हो या अन्य किसी प्रकार की, वीर रस की कविता जिसमें ओज का, उत्साह का भरपूर वर्णन है, किसी लोकनायक को केंद्र में रखकर कविता करने की एक परंपरा, एक परिपाटी चल निकली। तो ऐसी काव्यधारा जिसे रीति इतर काव्यधारा कहा गया, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया, रीति काव्य एवं रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, इनसे अलग रीतिकाल में कुछ महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, दिखाई देती हैं और उनको केंद्र में रखकर काव्य रचना करने वाले बड़े बड़े, यानी जो अपने कार्य के कारण, अपनी कविता के कारण वास्तव में उल्लेखनीय कवि बन जाते हैं, उन्होंने काव्य सृजन किया है। इन स्वतंत्र काव्य प्रवृत्तियों को ही हम रीति इतर काव्य के अंतर्गत रखते हैं और अध्ययन भी करते हैं। रीति इतर प्रवृत्तियों से संबद्ध रचनाएं रीति मुक्त काव्य प्रवृत्ति की रचनाओं की तुलना में
अधिक परिमाण में दृष्टिगत होती हैं, यानी जो रीति मुक्त काव्य है या रीति सिद्ध काव्य है वह तुलना में कम है, मात्रा में कम है, लेकिन रीति इतर काव्य के अंतर्गत क्योंकि एक एक प्रवृत्ति में कई कई कवि हैं तो वो काव्य एक प्रचुर मात्रा में हमें मिलता है। किसी विशिष्ट वर्ग के कवि से जुड़ी हुई ये प्रवृत्तियां नहीं हैं, यानी इस इन प्रवृत्तियों के सृजक जो कवि थे वो वर्ग में शामिल नहीं हुए, उन्होंने उनसे अलग रहकर नितांत परे रहकर कविता की। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी भी तरह की श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति, जिसके आधार पर रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा गया, वह प्रवृत्ति जो रीति काव्य, रीति सिद्ध काव्य या रीति मुक्त काव्य में बहुत मुख्य रूप से उल्लिखित होती है, उससे संबंधित काव्य का सृजन होता है, वह रीति इतर काव्य में हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी श्रृंगार को केंद्र में रखकर कविता करने की प्रवृत्ति रीति इतर काव्य में नहीं रही। इसमें वीर काव्य हमें मिलेगा, भक्ति काव्य मिलेगा, दर्शन और अध्यात्म से संबद्ध काव्य मिलेगा, नीति काव्य विशेष रूप से मिलेगा, और प्रकार अंतर से उसमें खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्म शास्त्र या इसी प्रकार की विज्ञान संबंधी, अनुवाद संबंधी ये जो काव्य सृजन की परंपरा थी प्रवृत्तिगत, वह हमें मिलती है। वीर काव्य की प्रवृत्ति प्रायः कवियों के आश्रयदाताओं के शौर्य गायन या उनके पराक्रम आदि को लेकर, उनकी वीरता का, युद्ध वीरता का, धर्म वीरता का, दान वीरता का, इनका उल्लेख करते हुए कवियों ने कविता की, और बहुत से युद्धों का, युद्ध के मैदान में शत्रु की सेना को पराजित करने का जो पराक्रम था उसका उल्लेख इन कवियों ने भरपूर किया। ऐसे में ऐतिहासिक घटनाएं, पौराणिक घटनाएं, घटनाओं का स्थान, उनका उल्लेख, ये सब भी हमें इन कविताओं में मिलता है। गोरेलाल जो रीतिकाल के रीति इतर कवियों में विशेष स्थान रखते हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना छत्र प्रकाश है। सूदन कवि जो इसी परंपरा के कवि हैं, वीरता के, शौर्य और पराक्रम के, सुजान चरित नाम की रचना उनकी इसी श्रृंखला में आती है। जोधराज हमीर रासो नाम की रचना लिखते हैं। हम जानते हैं कि आदिकाल में, हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो काव्य सृजन की एक लंबी परंपरा रही है, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो आदि, लेकिन रीतिकाल में आकर भी रासो काव्य लिखे गए। उसी तरह की रचना है हमीर रासो जो जोधराज ने लिखी है, वो वीरता की, पराक्रम की रचना है। ग्वाल कवि चंद्रशेखर वाजपेयी कवि, इन्होंने भी इस प्रकार के काव्य का सृजन किया है। जैसे चंद्रशेखर वाजपेयी की हमीर हट बहुत चर्चित और प्रसिद्ध रचना है जो वीरता की बखान करती है। पद्माकर कवि जो हैं तो रीति कवि, लेकिन उन्होंने हिम्मत बहादुर बिरदावली नाम की रचना लिखी, उसमें भी आश्रयदाता के शौर्य और पराक्रम का वर्णन विस्तार से किया गया है। भक्ति और दर्शन की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो रीति कवि महाराज जसवंत सिंह के अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास जैसे ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। इसी श्रृंखला में सोमनाथ की बहुत सी रचनाएं हमें मिलती हैं। सोमनाथ रस पीयूष निधि, रसविलास आदि से देखें तो रीति कवि हैं, लेकिन उन्होंने भक्तिपरक रचनाओं का सृजन भी किया। उन्होंने संस्कृत के जो भक्तिपरक ग्रंथ थे उनका ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया, और संग्राम दर्पण जैसी एक
पुस्तक हम देख सकते हैं। महाकवि देव की बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं वो इस परंपरा में यानी रीति इतर में शामिल होती हैं। अगर प्रवृत्ति की दृष्टि से देखें तो केशव की रामचंद्रिका को भी हम इधर चर्चा में ला सकते हैं। हालांकि रामचंद्रिका में जो शिल्प पक्ष है, जो अभिव्यक्ति कौशल है, वो रीति प्रवृत्ति परक है, किंतु वस्तु की दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह की बात अगर हम करें तो उनमें भी वीरता का वर्णन मिलता है, भक्ति का वर्णन मिलता है। इसी तरह यारी साहब, संतों में हम देखें कि संत काव्य परंपरा जो भक्तिकाल की एक महत्वपूर्ण काव्य परंपरा है, वो रीतिकाल में रीति इतर काव्य के अंतर्गत जब दिखाई देती है तो यारी साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, ये सब निर्गुण मार्गी संत कवि हैं। नूर मोहम्मद जो सूफी कवि हैं, सूफी काव्य परंपरा भी भक्तिकाल से रीतिकाल में आई, ये वो परंपराएं हैं, राम काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य, जो रीतिकाल तक आते आते गौण हो गई, ये मुख्य प्रवृत्तियां नहीं रहीं, लेकिन सतत धारा इनकी सृजन की बनी रही। शेख निसार सूफी कवि हैं, दुखहरण दास प्रेम मार्गी कवियों में इनका उल्लेख किया जाता है, सिखों के दसवें गुरु जिन्होंने दशम ग्रंथ लिखा, चंडी चरित लिखा, जप्पू जी महाराज लिखा, ये गुरु गोविंद सिंह इसी परंपरा में शामिल दिखाई देते हैं। नवल सिंह, विश्वनाथ सिंह, ये राम भक्त कवि, नागरी दास, चाचा हित हर वृंदावन दास, प्रेम सखी और कृष्ण भक्ति रचनाएं, इस प्रकार राम और कृष्ण धारा जो भक्तिकाल की मुख्य धाराएं थीं सगुण काव्य में, सूफी और संत काव्य धारा जो भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा में हम देखते हैं कि प्रवाहमान थी, वो रीतिकाल में भी प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। इस तरह नीति काव्य के अंतर्गत गिरधर कवि, दीनदयाल गिरी, वृंद कवि, बिहारी ने भी बहुत सा नीति काव्य लिखा, घाग कवि, भड्डरी कवि, हम देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में काव्य सृजन कवियों द्वारा हुआ है। रीति निरूपण और श्रृंगारिकता की व्यापक प्रवृत्तियों तथा रीति मुक्त काव्य की सशक्त प्रेम केंद्रित प्रवृत्तियों के बीच रीति इतर काव्य प्रवृत्ति भी स्वच्छंद रूप से आद्योपांत रीतिकाल में दिखाई देती है। इसलिए किसी भी प्रकार से इस काव्य धारा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इस धारा में संख्या में कवि भी बहुत हैं और एक एक प्रवृत्ति के अंतर्गत अनेक अनेक कवि हैं और उनकी ग्रंथावलियां भी प्रकाशित हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि रीतिकाल की मानी जा सकती है। सर्वप्रथम हम रीतिकालीन नीति काव्य पर दृष्टि डालें। नीति जिसे हम उचित व्यवहार का पर्याय मानते हैं, जिसको अंग्रेजी में डूज एंड डोंट्स कहते हैं, क्या करें क्या न करें इसका बोध कराने वाली जो भावधारा है, जिस कविता में समाज उचित व्यवहार, समाजोचित यानी समाज में रहते हुए सामाजिक से क्या अपेक्षाएं होती हैं, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह एक प्रकार से मूल्यों का बोध कराने वाला साहित्य भी है। यह एक प्रकार से दायित्व और धर्म निर्वाह की शिक्षा देने वाला काव्य भी है, इसलिए ये नीति काव्य कहलाता है। रीतिकालीन कवियों के संबंध में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत से कवि हैं जो नीति काव्य सृजन से जुड़े रहे, कुछ तो विशुद्ध नीति कवि हैं और कुछ गौण रूप से, यानी थे वो रीति कवि, थे वो रीति सिद्ध कवि, थे वो रीति स्वच्छंद कवि, लेकिन जहाँ कहीं अवसर आया उन्होंने नीति की दृष्टि से कविता भी की है। ये कविजन युगीन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से संबद्ध हैं। ये जो नीति कवि हैं ये बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, यानी शिक्षित हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और जीवन के सुदीर्घ अनुभवों को कविता में उतारते हैं। इसीलिए भले ही वो दरबार आश्रित रहे हों कुछ कवि,
और दरबार में रहकर भी राजा के दायित्व, राजा के कर्तव्य, राजा की समाज के प्रति, प्रजा के प्रति जिम्मेदारी, इनका बोध कराना और अनुशासित भी करना। यदि राजा कहीं पथ विचलित हो रहा है, दायित्व विमुख हो रहा है, उसे सावधान करना, उसे प्रकारांतर से प्रताड़ित भी करना, यह भी इन कवियों ने किया है। इसलिए नैतिकता का दायित्व इन कवियों के पास था, समाज की समस्याओं से और राजा और समाज इनके संबंध को लेकर ये समय समय पर चेताते थे, जागृत करते थे, अवगत कराते थे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंदेव, आगे कौन हवाल। बिहारी उस तरह से नीति कवि तो नहीं है, लेकिन श्रृंगार के साथ साथ बड़ी संख्या में उनके दोहे, नीति के दोहे मिलते हैं। और उन्होंने बखूबी दुसह दुराज प्रजान को क्यों ना बड़े दुखदन, जगत अंधेरो अति करे मिली मावस रविचंद, अजो तरयो ना ही रहो शुत सेवत एक रंग। ये जो इस प्रकार के बिहारी के दोहे हैं वो वास्तव में नीति के, विशुद्ध नीति के बहुत सुंदर दोहे हैं। तो इन कवियों ने अपनी सीमाओं में रहकर राजाओं को उनके दायित्व का, उनके कर्तव्य का बोध कराया। किसी काव्य वर्ग के ये कवि भले ही ना हो, पर नीतिगत सूक्तियों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को राज दरबारों तक और राजाओं तक इन्होंने पहुंचाया। यही कवि का धर्म है कि वो समाज में जो भी कुछ अनर्गल अनर्थ देखता है उसे राजा के बोध से, उसकी जानकारी से जोड़ता है। इस नीति काव्य की विशेषता यह है कि इसमें जन सामान्य की समस्याएं थीं और उनका समाधान भी था। जन सामान्य के मध्य ही, यानी भरे दरबार में, प्रजा में, राजा और प्रजा के बीच वो समस्याओं को उजागर भी करते थे और फिर उनका सुझाव देते हुए निदान भी करते थे। रीतिकाल के नैतिक दृष्टि से हरासो उन्मुख युग के रूप में जाने जाने के रूप में उस समाज में कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, क्या वस्तुतः राजा से अपेक्षित है, पिता से अपेक्षित है, पुत्र से अपेक्षित है, पत्नी से अपेक्षित है, मित्र से अपेक्षित है। जैसे तुलसी ने भी खूब नीति काव्य लिखा, तुलसी तो नीति के बड़े निपुण कवि हैं। धीरज धर्म मित्र और उभारी, मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी, जई के जई पर सत्य स्नेहु, तो ही मिले नहीं कछु संदेहु। अब ये नैतिकता है। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। रीतकालीन कवि का नीति काव्य की ओर उन्मुख होने का एक बड़ा और प्रेरक कारण था कि भक्तिकालीन साहित्य में नीति अधिकांशतः भक्ति का ही अंग बनकर आई थी, जबकि रीतिकालीन समाज में जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा था। हम परिस्थितियों पर जब दृष्टि डालते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, तो हम देखते हैं कि वह किसी सीमा तक बिखराव का, अविश्वास का, अंधविश्वासों का और अनास्था का युग हो गया था, भोग और विलास का युग हो गया था, सुरासुराई और सुंदरी और श्रृंगार आदि के आधिक्य का युग हो गया था। ऐसे में जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा था, नैतिक मर्यादाओं के विघटन हो रहे थे और जो नीति थी और जो नैतिकता थी वो अलग थलग पड़ गई थी। तो नीति की आवश्यकता कब होती है? जब अनीति का प्रसार होता है, तभी तो नैतिकता की चर्चा या विचार और विमर्श कवि, जो जागरूक कवि हैं, जो दायित्व बोध समझने वाले कवि हैं, तब वो इस प्रकार की कविता करते हैं। रीतिकाल का नीति काव्य आध्यात्मिकता से निरपेक्ष रहकर युग के व्यक्ति की भौतिक और मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए अनेक प्रकार के उपदेश देता है। कहीं कहीं आध्यात्मिकता के ग्रंथ भी रीतिकाल में मिलते हैं, लेकिन वो संख्या में, मात्रा में कम है। देव ने उस प्रकार का साहित्य लिखा है, केशव ने भी उस प्रकार का साहित्य लिखा है और अन्य कवियों में भी हमें एक आध रचना, दो रचनाएं
जैसे गंगा लहरी, जैसे यमुना लहरी, इस प्रकार की रचनाओं का सृजन भी बहुत हुआ है। इस तरह नीतिपरक उक्तियां या छंद रीतिकाल के रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों के साथ जगह जगह उपलब्ध होती है। नीति कवियों की यह विशेषता है कि वे जीवन के खट्टे मीठे सब अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और साधारण व्यक्ति को अपनी कविता के माध्यम से वो जोड़ते चलते हैं। इसका मतलब लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक तत्व, वो इनकी कविता में विद्यमान है। वृंद के दोहे देखें, रहीम के दोहे देखें, हालांकि रहीम कालखंड की दृष्टि से भक्तिकाल में दिखाई देते हैं, बिहारी के दोहे देखें, हम देख सकते हैं कि एक से एक प्रेरक दोहा, एक वस्तु के होते हैं भिन्न भिन्न सुभाए, भंटा एक को पित्त करे, करे एक को बाय। अब ये एक संदेश नीति का कवि ने सहजता से दे दिया और बार बार विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डोलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। तो श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यदि कोई उपलब्धि हासिल करनी है, और विद्या धन तो बिना श्रम बिना साधना के प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसका उल्लेख किया। लेकिन समाज में जब देखा कि श्रम करने के बाद भी उपलब्धि हासिल नहीं है तो ऐसे वर्ग को एक अलग तरह के मूल्य की स्थापना करके कवि ने कहा किए उद्यम किए जो विधि ही प्रतिकूल। अगर विधाता ही प्रतिकूल है तो परिश्रम करने से क्या मिलेगा। कहा किए उद्यम किए जो विधि ही प्रतिकूल, जैसे उपजे खेत को सलभ करे निर्मूल। टिड्डी दल आ गया और कीट पतंगे आ गए और बिल्कुल तैयार फसल को चौपट कर गए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जो सांस्कृतिक अंतर्विरोध हैं, जो समाज में स्थितियां गतिविधियां दिखाई देती हैं, उनको केंद्र में रखकर सहज कविता इन लोगों ने, इन कवियों ने की थी। जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति इन कवियों में थी, इसलिए कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये कवि कटु हो गए, लेकिन सत्य का बोध कराने के लिए कटुता का आना स्वाभाविक है, उसमें वो संकोच भी नहीं करते। रीति कवियों के अन्योक्ति प्रधान नीति काव्य के समान अपनी बात को प्रच्छन्न रूप में कहने की कोशिश ये लोग नहीं करते। ये तो सीधे सीधे जो कहना है निडर होकर वो कह रहे हैं। हालांकि रीति कवि जो हैं वो अन्योक्ति के माध्यम से, प्रकारांतर से, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ए काल अली कली ही सो बंदे हो, तो भंवरे के माध्यम से बात कही, लेकिन बहुत जगह पर उसकी आवश्यकता थी, उन्होंने वह किया। लेकिन ये नीति कवि निडर होकर अपनी बात भरे दरबार में कहते हैं। इस तरह अनुभवों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और उसका कुशल रचना विधान हमें इस युग के रीति इतर कवियों में, नीति कवियों में मिलता है। भारतीय वाङ्मय में नीति काव्य लेखन की परंपरा बड़ी लंबी है, संस्कृत साहित्य से हम देख सकते हैं। भर्तृहरि और हेमचंद से होती हुई संस्कृत में यह भक्तिकाल में कबीर, तुलसी, रहीम आदि के माध्यम से आगे बढ़ती है। नीति विषयक दोहे और अलग अलग प्रकार के छंदों में, जैसे कुंडलियों में नीति काव्य खूब लिखा गया गिरधर आदि ने, दीनदयाल आदि ने। रीतिकालीन नीति कवियों में वृंद, गिरधर, राम सहाय, दीनदयाल गिरी, घाघ, भड्डरी, गुरुदत्त, इस प्रकार बहुत से कवि हमें मिलते हैं। वृंद कवि इनमें शीर्षस्थ दिखाई देते हैं। वृंद और गिरधर, दीनदयाल गिरी, इनकी चर्चा विशेष रूप से नीति कवियों में होती है। वृंद कवि ने साहित्य, वेदांत, व्याकरण, गणित, दर्शन शास्त्र, इन सब का गहन अध्ययन किया था। कोई भी नीति कवि होगा तो उसे, उसने जीवन को भी पढ़ा है, जीवन को गुना भी है, वह अध्येता भी है, वह पाठक भी है, वह पुरा साहित्य, पौराणिक आख्यान और इन तमाम चीजों का अध्ययन करता है, अलग अलग अनुशासनों में अपनी गति बनाता है। इसलिए अवसरानुकूल दरबार में रहते हुए
राजा के लिए, प्रजा के लिए, जन सामान्य के लिए कब क्या कहना है वह उसका उल्लेख भी करता है। वृंद की योग्यता और विद्वत्ता से प्रभावित होकर जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह ने उनका राजकीय सम्मान किया था, उन्हें पर्याप्त जागीर दी थी। राजस्थान के किशनगढ़ आदि घरानों में वृंद को बहुत सम्मान मिलता था। इस तरह महाराज जसवंत सिंह जी के द्वारा इनका संबंध औरंगजेब से भी हुआ और औरंगजेब के ये दरबारी कवि भी रहे। औरंगजेब ने इनकी असाधारण योग्यता का सम्मान किया और अपने ज्येष्ठ पुत्र मुअज्जम और पौत्र अजीमुस्सम का शिक्षक भी इन्हें ही नियुक्त किया था। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने इनके विषय में लिखा है कि 12 मासा अक्षर आदि दोहे भाव पंचासिका श्रृंगार शिक्षा नैन 32 पवन 25 वचनिका रूप सिंह वार्ता सत्य स्वरूप रूपक यमक सत्सई और नीति सत्सई जैसे अनेक ग्रंथ वृंद के मिलते हैं और वृंद ग्रंथावली प्रकाशित है, जनार्दन राव चेलेर द्वारा संपादित है और उन्होंने इस पर शोध भी किया है। इस तरह जो वृंद के ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं उनको वर्ण विषयों के आधार पर हम देखें तो वो रीति कवि भी दिखाई देते हैं, क्योंकि रीति तत्व उनकी कविता में कई रचनाओं में मिलता है। जैसे यमक सत्सई उन्होंने लिखी तो वो पूरी रीति पर रचना है। श्रृंगार के सभी पक्षों पर भी वो चर्चा करते हैं। परिणामतः उनके साहित्य में रीति काव्य अधिक है, किंतु गुणात्मक दृष्टि से उनकी प्रसिद्धि का, उनकी ख्याति का मूल आधार उनकी रचना वृंद सत्सई है। इसे वृंद विनोद सत्सई या दृष्टांत सत्सई भी कहा गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि नीति कवि के रूप में वृंद ने अपना एक स्थान बनाया, अपनी एक पहचान बनाई और अपनी योग्यता, क्षमता और पैनी दृष्टि का सम्यक परिचय हिंदी साहित्य में उन्होंने दिया। छोटे छोटे उपेक्षित समझे जाने वाले अनेक विषय उन्होंने अपनी कविता में प्रतिपादित किए और सुंदर दृष्टांतों से। ये जो नीति साहित्य है ये सामान्यतः दोहों में अधिक लिखा गया और दोहों में प्रथम पंक्ति में जो बात कही गई दूसरी पंक्ति में दृष्टांत द्वारा यानी उदाहरण द्वारा उसकी पुष्टि की गई, ये विश्वसनीयता पैदा करने के लिए किया गया। आश्रयदाताओं ने कहा कि सरल दृष्टांत से इस प्रकार के की विषय वस्तु को कविता में पिरोया जाए, तो इन कवियों ने राजाश्रय में रहते हुए राजा के आदेश का अनुपालन किया और ऐसी कविताएं लिखी। वृंद के नीतिगत उक्तियों से हम देख सकते हैं कि उनमें विवेक और बुद्धि को जागृत करने की एक अद्भुत कला थी। इसीलिए सुबोध और स्वच्छ भाषा में लिखी गई उनकी यह रचना वृंद सत्सई रस परिपाक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा सरल और आभिजात्य वर्ग की भाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। सुगमता और सहजता पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, जैसे भले बुरे सब एक सम जोलों बोलत नाहीं, अच्छे और बुरे तब तक पहचान में नहीं आते जब तक बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं। भले बुरे सब एक सम जोलों बोलत नाहीं, जान परत हैं काग पिक ऋतु बसंत के माही। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कौवा और कोयल अपनी वाणी से ही पहचाने जाते हैं कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो मीठी वाणी कोयल की परिचायक है और कर्कश वाणी कौवे की परिचायक है। इसी प्रकार नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत बीर में रस सिहार रस सिंगार न सुहात। और इसके ठीक विपरीत क्या कहते हैं, फीकी पै नीकी लगे कहिए सोच विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। तो हम देख सकते हैं कि वृंद इस धारा के वो महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने वास्तव में जीवन के अनुभवों को लोक और जीवन के संदर्भ में ही व्याख्यायित करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। तो नीति काव्य धारा जो रीति इतर काव्य धारा की एक पहली प्रवृत्ति है, उसमें जो प्रमुख कवि है हमने उस पर अभी चर्चा की और इसमें फिर अन्य कवियों पर भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। अभी आज हम इसको यहाँ विराम देते हैं और आगे फिर इस पर हम इसको जारी रखेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का, जिनके माध्यम से हमने इस सत्र को पूरा किया। मित्रों, आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। एक अल्प विराम के बाद हम आप सभी के सम्मुख फिर प्रस्तुत होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं, आज हम रीति इतर काव्य पर चर्चा कर रहे हैं और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। आप बतौर प्रोफेसर के रूप में सभी छात्र छात्राओं को ज्ञान देकर उनके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं और उनको एक सफल नागरिक, एक सफल व्यक्ति बनने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए हम डॉक्टर पीसी टंडन का स्वागत करते हैं, उनके माध्यम से अपने इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर टंडन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी धन्यवाद। मित्रों, हम रीति इतर काव्य पर बातचीत कर रहे हैं और जैसा कि हमने देखा कि रीति इतर में जो महत्वपूर्ण पहली प्रवृत्ति है वह नीति काव्य की प्रवृत्ति है और नीति काव्य परंपरा में जो पहला बड़ा कवि जिसको हम मानते हैं विशेष रूप से वह वृंद कवि है। वृंद कवि पर हमने बातचीत की और इसी धारा के अंतर्गत अब अन्य जो कुछ नीति कवि हैं उन पर हम बात करें। दूसरे कवि के रूप में हमारे सामने गिरधर कवि राय आते हैं। गिरधर कवि राय हिंदी जगत में ही नहीं, पूरे भारतीय वांग्मय में अपनी कुंडलियों के कारण अपनी पहचान रखते हैं। ये गिरधर कवि राय रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनके विषय में जीवन संबंधी कुछ प्रामाणिक जानकारियां तो नहीं मिलती, लेकिन इनकी ग्रंथावली उपलब्ध है, प्रकाशित है और शिव सिंह सरोज में इनके विषय में जो जन्म काल है वो संबत 1770 दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे ठीक माना है और इनका कविता काल वो 1800 के आसपास मानते हैं। नाम के आधार पर अगर हम देखें तो शुक्ल जी ने जिस प्रकार कवियों के विषय में जो जानकारियां उपलब्ध कराई हैं उन्होंने इनके जन्म को लाहौर या पाकिस्तान का क्षेत्र उसमें माना है। इनके पिता का नाम धर्मचंद था और जीवन के उत्तरार्ध में ये वृंदावन में आकर निवास करने लगे थे। इस तरह के कुछ जीवन व्यक्तित्व संबंधी तथ्यों को, जानकारियों को हासिल करने के बाद जब हम इनके साहित्य के विषय में विचार करते हैं तो इनके तीन ग्रंथों का उल्लेख हमें मिलता है। एक तो प्रत्यकानुभव और एक शतक है। शतक का अर्थ यहाँ 100 छंदों के संग्रह से है। तो दूसरा सप्तभ्य निवारण मंत्र और नल दमयंती, ये तीन रचनाओं का उल्लेख इनका मिलता है। कुछ मुक्त छंद के रूप में 525 के आसपास कुंडलियां भी इनके नाम से मिलती हैं और इनकी कृति में वेदांत का उल्लेख प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जिनमें नल दमयंती जैसे, उसमें महाभारत की जो कथा है उसका उल्लेख हमें मिलता है। दोहा चौपाई छंद में भी इन्होंने कविता की है लेकिन कुंडलियों ने इन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि दिलवाई है। इनकी कुंडलियां नीति पर आधारित हैं और इनके अंतर्गत नीतियों का जो वर्णन किया गया उसमें वैविध्य विषय संबंधी आपको मिलेगा। युगीन समाज, धर्म, जीवन में विद्यमान अनैतिकता, कर्तव्यहीनता, अनाचार, स्वार्थपरकता और जो कुबत है, बुरी आदतें हैं, उन पर भी बहुत प्रहार किया गया। जैसे हुक्के पर, जैसे तंबाकू पर, इस तरह के प्रहार उन्होंने किए हैं। इनकी नीति सूक्तियाँ ग्राम्य लोगों में बहुत अधिक प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं और लोग उनको एक दूसरे को सुनाते भी हैं। सूक्तियों का दैनिक जीवन से जुड़ाव बहुत अधिक है इसलिए ये व्यावहारिक प्रतीत होती हैं। गिरधर कविराय की अभिव्यंजना शैली विलक्षण है, अनूठी है। ये नीति वाक्य को सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं और बहुत से उदाहरणों से अपनी बात को जब प्रतिपादित करते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि हमारे आसपास का वर्णन कवि ने किया है। इनकी रचनाओं में जो भंगिमाएं हैं, मुख मुद्राएं हैं, वो उभर कर आती हैं, यानी चित्रात्मकता भी उसमें दिखाई देती है। लोक के अनुभव और वक्ता श्रोता का जो एक संबंध होता है वह भी कविता में प्रकट होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि गिरधर ने जिन विषयों को उठाया उसमें लोक है, लोक जीवन है, लोक संस्कृति है। एक उदाहरण हम देख सकते हैं, साईं सब संसार में
मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। कितनी सहज बात है कि जब तक जेब में पैसा है तब तक मित्र आपके साथ हैं, और पैसा खत्म तो मित्र खत्म। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास यार मुख सो नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, बिन बेगरजी प्रीत यार बिरला कोई सोई। बिना बेगरजी के, यानी सब गर्ज के मित्र हैं, बिना बेगरजी की मित्रता तो मिलती ही नहीं है। इस तरह हम देख सकते हैं कि गिरधर ने भी वृंद के बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दीन दयाल गिरी इसी परंपरा के नीति कवि हैं, उनकी कविताएं भी नीति की कविताएं हैं, और उनका जन्म वाराणसी में माना जाता है। शैव सन्यासी संप्रदाय में वे दीक्षित थे, और गिरी जी के गुरु कुशगिरी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बचपन में ही वे जनक विहीन और विरक्त हो गए थे। उन्होंने पारिवारिक नीति पर बहुत लिखा है। उनकी मृत्यु वाराणसी में ही 1915 में मानी गई। इनके 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं, अनुराग बाग, दृष्टांत तरंगिणी, अन्योक्ति माला, वैराग्य दिनेश, अन्योक्ति कल्पद्रुम। इस तरह से नीति संबंधी ग्रंथों में दृष्टांत तरंगिणी और अन्योक्ति कल्पद्रुम ये लोकप्रिय रचनाएं हैं दोनों। कहीं पहली रचना में 206 छंद संकलित हैं, और यह 1889 में लगभग रची गई। भक्ति और नीति परक भाव विचार दृष्टांत अलंकरण के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। अन्योक्ति कल्पद्रुम में 111 छंद हैं, जिनमें 110 कुंडलियां विशेष रूप से मिलती हैं। नीति वाक्यों में वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और मित्रता आदि मिश्रित विषयों पर नीति कथन कहे गए हैं। पारिवारिक नीति की दृष्टि से ये विशेष पहचान रखते हैं। दीनदयाल गिरी ने श्रृंगार मूलक और चमत्कार प्रधान रचनाएं भी की हैं, किंतु काव्य वैशिष्ट की दृष्टि से इनका अधिक महत्व नहीं है। इनका मुख्य वर्ण विषय वैराग्य और नीति ही है। एकाधिकार प्रयोग से इन्हें साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुआ है। ये अपने नीतिपरक कथनों के लिए सामान्यतः अप्रस्तुतों का सहारा अत्यधिक लेते हैं। मूलतः सद्गुणों के संग्रह, दुर्गुणों के त्याग, मोह के त्याग, ईश्वर उपासना आदि पर ये बल देते हैं। दीनदयाल गिरी की दृष्टि वैराग्य आधारित विरक्त संन्यास और सन्यासी की दृष्टि से अधिक है, इसलिए धर्म, समाज, समकालीन समस्याओं पर इन्होंने अत्यधिक बल दिया है। यही कारण है कि वाणी में कहीं कहीं कटुता भी आई है, और किसी प्रकार का आक्रोश अन्योक्ति और दृष्टांत के वर्चस्व से वो कोशिश करते हैं कि उसे सहज और सरल बनाएं। ऐसे कवि दीनदयाल गिरी अपनी नीति परक उक्तियों के माध्यम से राग द्वेष रहित होकर मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए अपनी वाणी का रचनात्मक उपयोग करते हैं। एक उदाहरण हम देख सकते हैं, यारो तुम या बाग में कहा हंसो मुख खोल, दिनाचार के औध में लीजे नेक कलोल, लीजे नेक कलोल दसन की जो यह लाली, जहे जइये कहूं बिलाए होएगी डाली खाली, बरने दीन दयाल लगे खग हैं दिस चारों, भीतर काटत कीट कौन रंग रातो दारो। हंसने का जो महत्व है जीवन में उसको उल्लिखित करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बिहारी घाघ और भंडरी आदि भी इसी परंपरा के नीति कवि हैं। अब हम रीति इतर काव्य की दूसरी प्रवृत्ति जिसको वीर काव्य कहा जाता है उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। श्रृंगारिकता के बाद वीर काव्य इस धारा में मुख्य रूप से सशक्त पहचान बनाता है। वीरता, उत्साह, ओज और इसमें प्रशस्ति, ये इस काव्यधारा की मुख्य पहचान है। वीरता का उन्मेष श्रृंगार के साचर्य से आदिकाल में भी दिखा, जबकि रीतिकाल में वीरता का उत्साह स्वतंत्र रूप से देखने में आया। राजाओं की प्रशस्ति, उनका गौरवगान, कीर्ति का वर्णन अतिशयता के साथ भी और सहजता के साथ भी प्रस्तुत हुआ। देशभक्ति की चिंगारी इनमें दिखाई देती है,
लोक नायक या राष्ट्र नायक को केंद्र में रखकर कविता करने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इन कवियों की कांति को हम जैसे छत्रपति शिवाजी, राजा छत्रसाल आदि की प्रशस्ति में कहे गए कविताओं में, काव्य छंदों में देख सकते हैं। राजा महाराजा बहुत से हुए जिनके दरबार में कवियों को आश्रय मिला। उन राजाओं के प्रति इन कवियों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। इन्होंने आतताइयों के आक्रमण का साहसपूर्वक वर्णन किया, उसका सामना भी किया। ये कवि कुछ कवि ऐसे भी थे जो युद्ध के मैदान में भी आश्रयदाताओं के साथ गए थे। वीर काव्यों का मुख्य विषय राज प्रशस्ति और युद्ध का वर्णन तो था ही, लेकिन आनुषंगिक विषयों की अवतारणा करते हुए वर्ण विषयों की अनेक रूपता को भी ये अपनी कविता में शामिल करते रहे। वीर रस के परिपाक के लिए कवियों ने द्वित्व व्यंजन, मूर्धन्य ध्वनियों और संयुक्त ध्वनियों का कौशल के साथ प्रयोग किया। राजाओं की गुणग्राहकता, उनकी शिकार प्रियता, उनकी दानवीरता, दयावीरता, युद्धवीरता, धर्मवीरता, इन सब का सैन्य प्रस्थान, सैन्य सज्जा, इन सब का बड़ा विस्तार से वर्णन किया, क्योंकि ये इनके प्रिय विषय रहे हैं। राजा का आश्रयत्व इन्हें प्राप्त था, आश्रय में थे। समय, समाज और राजनीतिक सापेक्षता के कारण कह सकते हैं कि रीतिकाल के वीर काव्य को हम ओज के दैदीप्यमान काव्य के रूप में देखते हैं। प्रबंधात्मक वीर काव्य भी लिखे गए और मुक्तक वीर काव्य भी इस युग में लिखे गए। प्रबंधात्मक वीर काव्यों में गोरे लाल का छत्र प्रकाश, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित, ग्वाल कवि का हम्मीर हट, जोधराज का हम्मीर रासो, चंद्रशेखर का हम्मीर हट, सूदन का सुजान चरित, पद्माकर की बहुत सी रचनाएं इस तरह से, और मुक्तक वीर काव्य लिखने वालों में भूषण का नाम तो हम सभी जानते ही हैं। गोरेलाल ने वीर रस की धारा को प्रवाहित करते हुए जीवन के कई संकेत कविता में जोड़े, और इन्होंने अपनी कविता से बहुत से राजाओं को, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करके बहुत से पुरस्कार, सम्मान भी हासिल किए। इन्हें गोरेलाल के नाम से अभिहित किया जाता है, और ये गोत्र से मुदगल थे। ऐसा भी माना जाता है कि इनका जन्म संवत 1535 में दमोह के पास एक संकेली गांव था, वहां पर हुआ था। लाल कवि को महाराज छत्रसाल बुंदेला का आश्रयत्व प्राप्त था। महाराज ने लाल कवि को बड़ई, पठारा, अमानगंज, सगेरा और दुगदा नामक 5 गांव इनाम में दिए थे। इनकी रचनाओं में छत्र प्रशस्ति, छत्र छाया, छत्र कीर्ति, छव छंद, छत्रसाल शतक, छत्र हजारा, राज विनोद, बरवे आदि इनके नाम मिलते हैं। लाल कवि ने बहुत सी कविताएं करते हुए बुंदेलवंश, उनकी उत्पत्ति, चंपति राय के विजय वर्णन और उनके तमाम तरह के प्रयास आदि, इनको भी कविता में शामिल किया। छत्र प्रकाश की भाषा ओजस्वी थी, इतिहास सम्मत थी, वीर काव्य और संस्कृति का उसमें अद्भुत संयोग था। ब्रज अवधि और बुंदेली शब्दों का वो रचनात्मक प्रयोग करते थे। कल्पना की अपेक्षा वे इतिवृत्तात्मक दृष्टि बनाए रखते थे। सूदन कवि ने भी इसी प्रकार की वीर रस की कविताएं लिखी। सूदन का जन्म संवत 1810 के लगभग माना जाता है। इनके पिता मथुरा के निवासी पंडित बसंत राव चौबे माने जाते हैं। भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र महाराज सुजान सिंह के आश्रय में सूदन कवि रहते थे, और अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में इन्होंने सुजान चरित नामक ग्रंथ लिखा था। सुजान चरित में वर्णित घटनाओं का विश्लेषण और आकलन विशेष रूप से किया गया, और माना गया कि उन्होंने यह 1753 से 63 के मध्य लिखा था। उनका एक उदाहरण हम औदात्त्य की दृष्टि से, वीरता की दृष्टि से देख सकते हैं। छायो महाधूम धूलि घटा घोर, उठे जहां रंज के बिज्जु सी जोर, पज्य घना नोप गज्य निर्द्वार, देखें ढूसन्न के जात आकार। इस प्रकार से उन्होंने छंद आदि लिखकर कविता की है। गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म 1723 संवत में माना जाता है और उनकी मृत्यु संवत 1765 में मानी जाती है। उनका जन्म पटना में हुआ था
और कवि स्वभाव उन्हें जन्म से ही प्राप्त था। उनके दरबार में बहुत से कवियों को आश्रय प्राप्त था। ऐसा कहा जाता है कि वे उनके दरबार में जो कवि थे उनकी संख्या 52 से लेकर 72 तक थी। सहज ही ज्ञात होता है कि कवियों का वे बहुत सम्मान करते थे। चंडीचरित, सुनीति प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर, सर्व 16 प्रकाश, गोविंद रामायण जैसी चर्चित रचनाएं गुरु गोविंद सिंह के नाम से मिलती हैं। इसी प्रकार चंडीचरित, चंडीचरित उक्ति विलास, कल्कि अवतार, पारसनाथ रुद्रावतार, ये रचनाएं भी गुरु गोविंद सिंह की प्रसिद्धि का कारण बनती हैं। इस परंपरा में ग्वाल कवि ने भी योगदान किया है। ग्वाल के पिता का नाम सेवाराम था और उनका जन्म वृंदावन में संवत 1848 में माना जाता है। ग्वाल कवि ने भी बहुत सी महत्वपूर्ण वीर काव्य की रचनाएं हिंदी साहित्य के भंडार में अपने योगदान से दी हैं। वे जाति से ब्रह्म भट्ट थे, किंतु गुरु का नाम उनके खुशाल राय था। महाराज नाभा और महाराज रणजीत सिंह उनका बहुत सम्मान भी करते थे। उन्हें टोंक के नवाब का सम्मान भी प्राप्त हुआ था। कविता कौमुदीकार ने इनके ग्रंथों को 60 से 70 भी बताया। ग्वाल ग्रंथावली भी नागरी पुचारणी सभा से प्रकाशित है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जमुना लहरी, रसिकानंद, हम्मीर हठ, राधा माधव मिलन, श्री कृष्ण जू को नक्षिक, कवि दर्पण, रसरंग, साहित्यानंद, अलंकार, ब्रह्म भंजन, नेह निवा, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जो उनके नाम से हमें प्राप्त होती हैं। और प्रतिभाजन्य वैशिष्ट तुलना में रीतिकाल के कवियों की दृष्टि से कम है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। जोधराज ने भी हम्मीर रासो जैसी रचना दी और उन्होंने भी इस परंपरा में अपना योगदान किया। इस तरह हम देख सकते हैं कि वीर काव्य की दृष्टि से जो कवि हमें मिलते हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य और नाम भूषण कवि का है। भूषण जो गोत्रीय ब्राह्मण थे, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनकी जन्मभूमि त्रिविक्रमपुर मानी जाती है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ऐसी बहुत सी रचनाएं भूषण कवि के नाम से हमें प्राप्त होती हैं। शिवराज भूषण रीति ग्रंथ में इन्होंने अलंकार विवेचन किया है। भूषण के दो रूप हमें दिखाई देते हैं। एक वो रीति कवि के रूप में जब शिवराज भूषण के माध्यम से हमारे समक्ष आते हैं। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण की रचना है। उन्होंने वहाँ लक्षण उदाहरण आदि देकर उस रचना को समृद्ध और संपन्न किया। भूषण कवि छत्रपति शिवाजी के दरबारी कवि माने जाते हैं। शिवाजी की प्रशस्ति में उन्होंने बहुत सुंदर छंद, कवित्त आदि अद्भुत लिखे हैं। सवैये भी उन्होंने बहुत सुंदर लिखे हैं। भूषण की कविता में ऐतिहासिक तत्व भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने इतिहास सम्मत छंदों का, चाहे वो कवित्त हों, सवैये हों, उनका सृजन किया है। लेकिन निरूपण काव्य लिखने की दृष्टि से जब हम उन पर विचार करते हैं तो वो आचार्य के रूप में भी हमारे समक्ष आते हैं, और वीर काव्य की दृष्टि से जब हम उन पर विचार करते हैं तो वो रीति इतर कवि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। उन्होंने वीरता की कविता लिखते हुए, यानी ओज, उत्साह और शौर्य और पराक्रम की कविता लिखते हुए शिवाजी की प्रशंसा में अद्भुत काम किया, और छत्रसाल की प्रशस्ति में, छत्रसाल दशक नाम की उनकी एक रचना है, और शिवा बावनी नाम की 52 छंदों की एक बड़ी सुंदर चर्चित रचना है, जहाँ औरंगजेब के आतंक, यानी उसके भयभीत होने, किस प्रकार शिवाजी के नाम से औरंगजेब, उनकी बेगमें कैसे भयभीत होती हैं, डर जाती हैं, उनका उल्लेख भी बड़े सुंदर ढंग से किया है। और आलंकारिक चमत्कार भूषण के पास था। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, बिजन डुलाती थी वे बिजन डुलाती हैं, इस प्रकार की कविताएं भूषण ने की हैं और उनको उससे बड़ी ख्याति भी मिली है। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक में वीर रस का उत्कर्ष दिखाई देता है। वास्तव में वीर रस की दृष्टि से जब पूरे मध्यकाल में हम कवियों की चर्चा करते हैं, यूँ कवि तो बहुत हैं, लेकिन जो शीर्षस्थ कवि हैं, जो नेतृत्व प्रदान करने वाले कवि हैं,
या जो प्रवर्तक कवि हैं वीर काव्यधारा के, वो भूषण हैं, और उसके बाद सूदन हैं, गोरेलाल हैं, या फिर पद्माकर भी वीर रस की दृष्टि से, क्योंकि हिम्मत बहादुर वीर बहादुर वृदावली उन्होंने लिखी है, ऐसी रचनाएं हमें मिलती हैं। भूषण राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा के उन्नायक कवि भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल राज प्रशस्ति नहीं की, उन्होंने राष्ट्र प्रशस्ति भी की है। वे अतीत के गौरव को, वे हमारे राष्ट्र नायकों के राष्ट्रीय प्रदेय को रेखांकित करते चलते हैं। कैसे उन्होंने देश की रक्षा की, देश के शत्रुओं से संघर्ष किया, जन सामान्य को अपने साथ लेकर और आतताइयों का मुकाबला किया, और देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो सांस्कृतिक भावधारा के उन्नायक कवि, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उन्नायक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। ब्रजभाषा में जिस तरह की कविता भूषण ने की है, वह स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। उनकी वाणी बार बार आक्रमणों की मार झेलते जनजीवन को आशा का संवाद देती है, आशा का संचार उनमें करती है, क्योंकि जनसामान्य जिस तरह से इन आतताइयों से आक्रांत था, भयभीत था, निराश था, भूषण की कविता उनमें एक उत्साह का, एक ओज का संचार करती है। वह वस्तुतः रोमांच पैदा करती है, उनमें एक आस्था का भाव भी पैदा करती है। शिवाजी को वे एक एक रक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और छत्रपति शिवाजी ने इस दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रहित में स्वतंत्र चेतना की दृष्टि से किया, उसका भूषण ने विस्तार से विवेचन अपनी कविता में किया है। उनकी ओजस्वी भाषा ओज और उत्साह दोनों को एक साथ हमारे समक्ष उपस्थित करती है। इनका महत्व अलंकार शास्त्रीय आचार्य की अपेक्षा रीतिकालीन वीर काव्य प्रणेता और उसके ओजस्वी कवि के रूप में अधिक रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वो आचार्य परंपरा के कवि होकर भी वीर काव्य के कवि के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त करते हैं। अलंकार निरूपण भी उनका उत्कृष्ट है, और निरूपण परंपरा में उनको विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन वीर काव्य परंपरा की जब बात होती है, राष्ट्रभक्ति की कविता की जब बात होती है, जातीय चेतना की कविता की जब बात होती है, तो भूषण का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि भूषण ने जो मार्ग प्रशस्त किया, बाद में फिर कवियों ने उसका अनुसरण भी किया है। इस तरह भूषण का स्वर वीर पूजा और वीर प्रशस्ति का स्वर है। वह रीतिकाल के रीति कवियों की तरह झूठी प्रशंसा या राज प्रशस्ति जो अतिशय उक्तियों के माध्यम से की गई, उस तरह की अतिशय उक्तियां भूषण में नहीं मिलती। उन्होंने ईमानदारी से, निष्ठा से छत्रपति शिवाजी के साथ रहकर उन्हें युद्ध के मैदान में कर्तव्य करते हुए, अपना पराक्रम दिखाते हुए देखा है, और उसी का वर्णन वो करते हैं। और जो औरंगजेब आदि आतताइयों पर जो, और छत्रपति शिवाजी के दबदबे का एक डर था, एक भय था, और उनकी जो औरंगजेब की जो बेगमें थीं वो कैसे भयभीत हो जाती थीं, उनका वर्णन भूषण ने किया। इस तरह भाव, शैली, छंद, रस, अलंकार आदि की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भूषण वीर काव्य की प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में हमारे समक्ष उभरते हैं। तो रीति इतर काव्यधारा के की दो मुख्य प्रवृत्तियों पर हमने बात की, एक नीति काव्यधारा जो रीति इतर की पहली मुख्य प्रवृत्ति है, और दूसरी वीर काव्यधारा जो रीति काव्य की, रीति इतर काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्ति है। इसके अतिरिक्त जो प्रवृत्ति हैं फिर उन पर हम आगे बात करेंगे। आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं और आगे इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का, जिनके माध्यम से हमने आज के इस व्याख्यान को पूर्ण किया। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप लगातार हमें देखते रहें, और देखने के साथ साथ आप हमें लिखते भी रहें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो लिख भेजिए info.cec@nic.in पर। आज हम आप सभी मित्रों से इजाज़त लेते हैं, और इस वादे के साथ कि अगले व्याख्यान में आपके लिए हम एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर धन्यवाद।
धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन को सर, बहुत बहुत धन्यवाद।